तुम चलने के लिए तैयार हो? मैम। भैया मुझे आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने चलते हैं। इन सबको यहाँ से हटाओ, ये लोग मुफ्त में यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं। समझ गई। मुझे माफ कीजिएगा, माफी चाहती हूँ। जरा आप एक मिनट हटेंगे? सब चले गए। हाँ मुझे पता है। कल टीवी पर एक्शन कॉमिक का स्पेशल एपिसोड आने वाला है। अच्छा वो मैंने ये मैगजीन देख ली, कल मैं टीवी जरूर देखूंगा। अब हम क्या करें, ये लड़का फिर आ गया। जल्दी बताइए मैडम। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें इसे भगाना होगा। पर ऐसा करना आसान नहीं है, आप ये अच्छी तरह जानती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, इसे भगाओ। ठीक है। अरे वो लड़का कहाँ है? अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, उम्मीद है ओके इस बात को समझेगी। आइए आपका स्वागत है। मैम वो क्या चीजें हैं? अच्छा वो तो नए साल पर घर सजाने की चीजें हैं बेटा। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आइए, आपको काफी सामान मिलेगा जिससे आप अपना घर सजा सकते हैं, वो भी काफी कम दामों में। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है, मुझे अपना काम करने दो। तुम जाओ यहाँ से, चलो बेटा, डैड आज शाम को ये सब चीजें लेकर आएंगे। अब क्या हुआ? मुझे लगता है दीदी चाहती है कि हम यहाँ से कुछ खरीदें। क्यों दीदी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। मिट्सी, कैसे हो शिनचैन? यहाँ बहुत भीड़ है, अगर थोड़ी देर इस काम से भी मुझे हाथ धोना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे पतियों को भी थोड़ा बहुत ऐसे काम आने चाहिए, नहीं तो हम लोग बाहर घूमने आ ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में, बोलो? हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज का क्या प्रोग्राम है? आज हम लेडीज एक साथ नए साल की पार्टी। अरे ये मैंने शिनचैन के सामने क्या कह दिया? आप लोग नहीं चाहते कि मैं आपके साथ चलूं? हाँ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लीजिए हम पहुंच गए। आप लोग इस तरफ आइए। कैसी लगी जगह? यहाँ खाना खाने में मजा आएगा। ये लोग इतनी महंगी जगह पर क्या करने आए होंगे? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटी, चलो हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। अच्छा बताओ क्या खाओगी? हमें चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक और। ठीक है। और मेरे लिए एक बड़ी बॉटल ऑरेंज जूस। हाँ शिनचैन फिर तुम खाना नहीं खा पाओगे। ये देखो पालक वाली डिश, इसे मैंने कभी नहीं खाया, क्या इसे ट्राई करें? पर इसका टेस्ट। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, ये लीजिए आपकी पालक वाली डिश। लगता है ये यहाँ की मशहूर डिश है। ये अच्छी लग रही है। अरे शिनचैन, अरे ये क्या कर रहे हो, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं। नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? अरे नैनी तुम यहाँ किसके साथ आई हो? अरे माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अरे नहीं, सबके साथ खाने में तो और मजा आता है। और खाने का बिल भी कम आता है, ठीक कहा ना मैंने? नहीं नहीं बेटा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग पहुँच गए हैं, मगर प्रिंसिपल सर आप तो कह रहे थे कि आज हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाने वाले हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि इस जगह का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो यही ठीक लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। मगर मैं तो सोच रही थी कि हम किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ चलना चाहते हैं तो ठीक है। आपको अच्छे से पता है ना, अगर हम वो खाना खाएंगे तो बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ये नए साल की पार्टी है, हमें अंदर चलना चाहिए, चलिए। तुमने आने में देर कर दी, बताओ तुम्हें क्या खाना है? अच्छा तो तुम कुछ और खाओगी, यहाँ हर चीज मिलती है, तुम्हें जो कुछ पसंद हो बता दो। शाही पनीर। अच्छा अच्छा और क्या? अरे वाह आज तो यहाँ ज्यादा ही रौनक है। और तुम क्या खाओगे? मैंने सोचा नहीं। तो सोच लो ना। प्रिंसिपल आ,
हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बिन बुलाए मेहमान हैं यहाँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अरे नैने की मॉम कहाँ चली गयी? शायद वो वॉशरूम गयी है। अरे मुझे भी वहाँ जाना है। जाओ और जल्दी वापस आना। ठीक है। मैं गाना गाऊंगा, सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पार्टी कर रहा हूँ। क्या मॉम? शिनचैन इधर आ जाओ बेटा। मैं डैड के साथ रहूँगा, आपकी पार्टी बोरिंग है मॉम। वाह मुझे नींद आ रही है। अरे मिसेस नोहारा आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद मिली, वहाँ आपकी पार्टी कैसी चल रही है? ये मेरे पति के बॉस है, ये भी हमारे साथ खाना खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस। अच्छा तो आप स्कूल में पढ़ाती क्या है, बताएंगी प्लीज? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। अरे हिंदी की टीचर तो मैं हूँ और मात्सुजा का मैम तो पीटी की टीचर है। सुनो नैनी, तुम्हारी मॉम अभी तक नहीं आई? मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। बिताने वाले हैं, मजा आ गया वाकई आज तो। वैसे आप ही कुछ कहिए ना योशिनागा मैम। प्रिंसिपल सर, आप हम लोगों को यहाँ पर खाना खिलाने के लिए लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आने वाले नए साल में नया क्या करने का सोचा है, ये तो बताइए जरा मुझे। मैं इस बार बच्चों की पीटी की क्लास भी लेना चाहती हूँ सर। अच्छा अच्छा मिस्टर, बताइए ना, बताइए। आपको क्या हुआ डैड? मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी, करे वो ऐसी हरकते। प्यारा प्यारा